ऑल राइट स्टूडेंट्स, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम फॉर दिस सेशन। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 7th Jan शिफ्ट 1 के एनालिसिस की। देर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु वर आस्किंग फॉर दिस एनालिसिस। बहुत ज्यादा मैं एनालिसिस नहीं कराऊंगा बिकॉज इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द पीपल हु आर गोइंग टू टेक टेस्ट ऑन 8th and 9th। बट येस, सो पीपल हु आर गोइंग टू टेक टेस्ट ऑन 8th and 9th, वॉट दे कैन एम्बाइब फ्रॉम दिस। टेंशन तो होती है कि सर पेपर हो गया और आप जरूर देखोगे इधर उधर, मुझे पता है। तो वी थॉट why not we also come and tell that what should be the ideal conditions that you should be into. So, pehli baat, paper mein kuch bhi naya nahi hai. Let me just, okay, draw my stylus. Paper jo hai, as usual, paper is normal. Theek hai, normal. Ab normal mein kya matlab hai? Hame lag raha tha paper ka difficulty level bahut zyada badh jayega. Nahi, aisa kuch nahi hua hai. Paper ka difficulty level utna hi hai jitna जनरली जेई मेन्स का होता है। ठीक है, हमें पता है कि जेई मेन्स पिछले 3 साल से लगातार फिजिक्स अच्छा पूछ रहा है, तो इस पेपर में भी जो फिजिक्स आई थी वो थी टफ। इनफैक्ट अगर सबसे टफ या सबसे स्ट्रेंज पूछा जाएगी, नए तरीके के क्वेश्चन जहां पूछे गए, वो था फिजिक्स। और अगर तुम्हें इस बात से हैरानी है तो वो गलत बात है, क्योंकि पैटर्न ही ऐसा है। जेई मेन्स टिल्ट हो गया है कि नए तरीके के क्वेश्चन जो पूछते हैं वो आजकल पूछते हैं फिजिक्स में, कि जिसको कहते हैं ना नॉन, व्हाट यू कैन से, नॉन डायरेक्ट क्वेश्चन, या फिर जहां पर आपको आपको कम देखे टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो फिजिक्स में ही आते हैं। एंड दैट पैटर्न कंटिन्यूड, राइट। जो इंटीजर टाइप आया वो 2 decimal places, तो जिन लोगों ने भी मैथन वो की टेस्ट सीरीज ले रखी है वो तुम्हें पता हो 2 decimal places तक आंसर लिए जा रहे हैं, तो वही वहां पर लिया जा रहा है पेपर में। कोई घबराने वाली बात नहीं है और बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करता हूँ, क्विक एनालिसिस गाइस, क्विक, वेरी क्विक एनालिसिस केमिस्ट्री। अच्छा, फिजिक्स में अगर और बात करना चाहते हो तो ये समझ सकते हो कि क्लास 11th की वेटेज अच्छी थी इस बार। ठीक है, इनफैक्ट उन्होंने क्लास 11th को ज्यादा प्रेफरेंस, या कह सकता हूं थोड़ा सा देखे, क्वेश्चंस जो क्लास 11th के थे वो अच्छी क्वालिटी के थे, रियली दे वर रियली गुड। ठीक है, और जहां तक बात आती है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री तो यार लड्डू आती है, तो इस बार भी बहुत ईजी थी। एक अभी का हर शिफ्ट का देखो, पेपर का एनालिसिस अलग होता है, हर शिफ्ट में अलग अलग कुछ ना कुछ पैरामीटर आएंगे, तो बहुत ज्यादा प्लानिंग इनके हिसाब से नहीं करनी है। फिजिक्स में जो टॉपिक्स थे इक्वली स्प्लिट थे, थोड़ा सा आप कह सकते हो टिल्टेशन 11th की तरफ था। केमिस्ट्री वाज वेरी वेरी इजी। वन थिंग दैट इज देयर, जिन लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा वो याद कर लो, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आए थे बहुत भर भर के। इनफैक्ट इनऑर्गेनिक में बहुत सारे लोग लगे रहते हैं कि मुझे टफ करना है टफ करना है, तो अगर तुम लोगों ने इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी करी है, बिलीव मी, काम हो जाएगा। दिस वॉज अ इंडिकेशन, बिकॉज इनऑर्गेनिक डायरेक्ट डायरेक्ट कहां से आई है, एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम, बैक प्रॉब्लम्स तक उठ उठ के आएंगे। यहां पर देखने को क्या मिला कि फिजिकल जो है कम आई है, फिजिकल जो थी वो काफी कम पूछी गई एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई अच्छी आई और जेई मेन्स लेवल की आई, पहली बात अच्छी बात है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीधा सीधा एनसीईआरटी, सीधा सीधा एनसीईआरटी। मैथ्स की जहां तक बात है, मैथ्स हमेशा से ही स्टैंडर्ड पेपर रहा है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, और लेंदी, तो लेंदी तो हमेशा से ही मैथ्स का पेपर है, तो उसकी बार भी लेंदी था। तुमने नोटिस करा ये चीजें सारी एक्सपेक्टेड थी, टफ आएगा, ट्रिकी, टफ नहीं बोले तो यहां ट्रिकी बोल दो, ट्रिकी नहीं बोलना चाहते तो बोल दो नॉन स्टैंडर्ड। एक्चुअल में सही वर्ड क्या है अगर मेरे से पूछा जाए कि फिजिक्स जो होता है हमेशा, इफ वी गाइस टॉक अबाउट फिजिक्स, फिजिक्स हमेशा ही नॉन स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड पेपर हमेशा ही केमिस्ट्री स्कोरिंग होता है, इजी स्कोरिंग वो अभी भी था। अब बस इसमें फर्क क्या हुआ कि आपका फिजिकल केमिस्ट्री कम पूछी गई। ठीक है, और मैथ्स जो होता है वो हमेशा से ही आपका क्या रहा है, मॉडरेट, मॉडरेट बट लेंदी। ठीक है, हमेशा से यही डेफिनेशन रही है पिछले 3 साल से जेई मेन्स की, वो इस बार भी वैसी की वैसी रही है। मैथ्स में जहां तक बात करें तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस कुछ ज्यादा खास नहीं आए हैं, सिंपल न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं जो आराम से हो सकते थे। जो चैप्टर्स टफ पूछे जाते थे वो टफ पूछे गए, जैसे जो मेरे बैच के बच्चे हैं उन्होंने मुझसे शेयर करा कि सर मैथ्स का पेपर तो हमने 4 डाला जो क्रैश कोर्स के थे, क्यों, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेड था कि जैसे बाइनोमियल होता है तो बाइनोमियल में हमें पता होता है कि सर वो टफ क्वेश्चन पूछेंगे, तो मैंने उन्हें बता रखा था कि भैया बाइनोमियल का अगर टफ क्वेश्चन है तो छोड़ देना, तो उन्होंने छोड़ा और काम बन गया, क्योंकि बायनोमियल के क्वेश्चन जो आए थे काफी अच्छे थे, कई बच्चे करके निकल गए, कई बच्चे छोड़ के आगे बढ़ गए, जो टाइम सेव कर गया। सो ओवरऑल पेपर इज एज एक्सपेक्टेड, नथिंग अनयूजुअल। सो ओके, हमारे पास एक हैंड कॉपी है पेपर की, इफ यू गाइज वॉन्ट टू सी हैंड कॉपी ऑफ ईच क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन हो सकता है सॉल्यूशन नहीं है अभी, और इसमें आपको
हर क्वेश्चन के साथ चार ऑप्शन भी नहीं है, हमने कोलेट करे हैं बड़ी जल्दी जल्दी जल्दी, तीन चार टीचर्स ने मिलकर हम लोगों ने कोलेट करे हैं इसको, तो वहां से हमें पेपर मिला और मैथमो के बच्चों ने मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन, इनफैक्ट मैथमो के फिजिक्स केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन शेयर करे गए बच्चों ने ईमेल के थ्रू। तो अगर आप भी करना चाहते हैं तो यू गाइज कैन डू एट info@mathongo.com और हैंड कॉपी अवेलेबल है पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप वहां जाके क्वेश्चंस देख सकते हो। सॉल्व करने मत बैठना, अब ये हटाए दूंगा उन बच्चों के लिए जो लोग अभी टेस्ट देने वाले हैं, तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, योर टाइम विल कम, डू नॉट वेस्ट अननेसेसरी अटेंशन ऑन दिस। आज का सेशन इसलिए ले रहे हैं और अगला सेशन जैसे से आएगा बताने के लिए, कुछ भी नया नहीं है, मेरा सिर्फ एक टारगेट है बार बार आके ये चीज दिखाना कि कुछ भी नया नहीं है, देयर इज नथिंग न्यू दैट यू गाइस आर डूइंग, एवरीथिंग इज एज प्लान्ड एज एक्सपेक्टेड। सो प्लीज लास्ट मोमेंट पे अपना प्लान चेंज नहीं करना है, पेपर फोड़ के आना है और तुम फोड़ के आओगे। किसी का भी ये पैटर्न सुनना बच्चे के रिव्यूज या देखने, उससे अगर आपको लगता है कि नर्वसनेस हो रही है मत देखो, पेपर का एनालिसिस बता रहे हैं तुम्हें, सिंपल पेपर आया है, वैसा ही पेपर आया है जैसे एक्सपेक्टेड होता है, तो नथिंग न्यू गाइस, सिंपल रिलैक्स चिल, जैसी तुम रिवीजन कर रहे हो करते रहो। जिन लोगों का पेपर है कल, उनको 5 बजे तक ही पढ़ाई करनी है, उसके बाद 5 बजे बाद पढ़ाई छोड़ देनी है, अपना चिल मारो, कुछ भी नहीं है, नए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होने हैं, तो इसलिए इनसे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पर फिर भी जिन लोगों का डे आफ्टर टुमारो है या कल भी है, फिर भी वो देखना चाहते हैं, मुझे पता है ह्यूमन है यार, हम लोग हटा नहीं सकते ये चीज की, उनका मन जरूर करेगा, ललचाएगा पेपर देखने के लिए। सो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज गो एंड वॉच दैट स्टफ, एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू हू हैव अ पेपर टुमारो और डे आफ्टर। सिर्फ जैसा पढ़ रहे हो वैसा पढ़ते रहो, कुछ भी नया नहीं हुआ है पेपर में, ठीक है गाइस, गॉड ब्लेस, बाय बाय, टेक केयर।